नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल अंबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप अनचाही कॉल से परेशान हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो आप ही के लिए है। और आप पूरी वीडियो देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप अनचाही कॉल से छुटकारा पा सकते हैं। और सरकार ने भी इसके लिए कुछ नए कानून बनाए हैं और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत भी है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और आप तो क्या शायद ही कोई ऐसा यूज़र होगा जो बार बार बजने वाली अनचाही कॉल की घंटी से परेशान नहीं होगा। गाए बगाए कॉल करके कहा जाता है कि फला सामान ले लीजिए, फला सर्विस ले लीजिए, फला इंश्योरेंस ले लीजिए। अब सरकार ने इन पे लगाम लगाने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन कंपनियां इन सब नियमों को छकाती रहती हैं। अक्सर नियम पहले भी बने हुए हैं लेकिन कंपनियां इन सब नियमों को इधर उधर करके अपनी कॉल्स पे अपना बिजनेस जारी रखती हैं। अनचाही फोन कॉल्स पर लगाम के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया है। यही मैं बताने जा रही हूँ कि अब ऐसी कंपनियों पर पेनल्टी लगाई जा सकेगी। इसके अलावा सरकार ऐसा सिस्टम बनाने जा रही है जिससे कॉल करने के लिए इस्तेमाल किए गए नंबर ही नहीं डिवाइस को भी ब्लॉक किया जा सकेगा। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने अनावश्यक फोन कॉल करके परेशान करने पर वालों पर अधिकतम 10,000 रुपये की पेनल्टी का प्रावधान किया है। और अक्सर देखने में भी आता है कि कंज्यूमर ने डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन चुना हुआ है, फिर भी प्रमोशनल कॉल जो है उसके मैसेज आते रहते हैं, उनकी कॉल्स आती रहती हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनी नियम तोड़ती है तो उसे हर बार गलती पर 1,000 रुपये का फाइन भरना होगा। और अगर किसी केस में ऐसा नहीं होता और 3 महीने तक ये क्रम चलता रहता है या 1 महीने में 50 से ज़्यादा कॉल्स होती हैं तो पेनल्टी की रकम जो है वो 10,000 हो जाएगी। यानी कि 10,000 रुपये तक जो अनचाही कॉल करने वाले हैं उन पे फाइन हो सकता है। इसके साथ ही नंबर को डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है। आजकल हम अक्सर फोन पे होने वाले फ्रॉड के किस्से सुनते हैं। ये बड़ी आम बात हो गई है कि कभी मैसेज करके फुसलाया जाता है, कभी फोन करके पर्सनल जानकारियां ली जाती हैं, इसके बाद काम तमाम। और ठगी से निपटने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने 2 नए स्पेशल विंग बनाए हैं। इनमें से एक डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि DIU और दूसरी टेलीकॉम एनालिसिस फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इनका काम होगा टेलीकॉम नेटवर्क के जरिए अपराध को अपराध करने वाले का पता लगाना। दोनों यूनिट सीधे सरकारी एजेंसियों से अपना तालमेल बैठाएंगी, यानी कि पुलिस, बैंक और दूसरी सरकारी एजेंसियां इनसे सीधे कॉन्टैक्ट में रहेंगी। इसमें लंबी प्रक्रिया में उलझने से होने वाली लेट लतीफे से बचा जाएगा, एक्शन जल्दी होगा। ये दोनों यूनिट मोबाइल के जरिए फ्रॉड पर नजर रखेंगे। इसके अलावा ये भी पता लगाएंगे कि फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए कौन से नंबर हासिल किए गए हैं। ये यूनिट एक और जरूरी काम करेगी जो बहुत काम का होने वाला है। इनके जरिए कंज्यूमर को ये सुविधा भी दी जाएगी कि वो जान सकें कि उसके नाम पर कौन कौन से नंबर पे काम कर रहे हैं। अगर कंज्यूमर किसी नंबर को यह कह करके रिपोर्ट करता है कि वो उसका नहीं है तो उस नंबर पे एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप प्रमोशनल SMS से तंग आ चुके हैं दोस्तों, इस पे गौर करिएगा। अगर आप प्रमोशनल SMS से तंग आ चुके हैं तो आप 1909 पे स्टॉप और उस कंपनी का नाम लिखें जहां से मैसेज आ रहे हैं। उसके बाद उस कंपनी से होने वाली हर तरह की प्रमोशनल एक्टिविटी आपके लिए बंद हो जाएगी। हालांकि ट्रांजेक्शन संबंधी बैंक के मैसेज आपको मिलते रहेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर कोई बैंक आपको दिन भर ढेरों मैसेज करता है तो भी आप स्टॉप सर्विस लेने के बाद ये मैसेज बंद हो जाएंगे, लेकिन आपके बैंक से जो ट्रांजेक्शन होगा उसके ज़रूरी मैसेज आपको आते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी जो अनचाही कॉल है उनसे छुटकारा पाने वाली खबर और बहुत सारी जानकारी। आपको ये कंटेंट कैसा लगा, मुझे मेरे कंटेंट के बारे में आप जानकारी ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।